हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है टाइप कास्टिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज नॉन एज टाइप कास्टिंग किसी प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल्स की या वैल्यूज की डेटा टाइप को चेंज करने के प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं टाइप कास्टिंग कैन बी परफॉर्म इन टू वेज टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करने के दो तरीकेकार हैं नंबर वन इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग एंड नंबर टू एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग सबसे पहले बात करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इज परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय बाई सी प्लस प्लस कंपाइलर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एक ऐसी टाइप कास्टिंग है जो सी प्लस प्लस कंपाइलर खुद ब खुद कर लेता है हमें कुछ मैनुअल करने की इसमें जरूरत नहीं होती द ऑपरेंट्स इन अरिचमैटिक ऑपरेशन मस्ट बी ऑफ सिमिलर टाइप्स जब भी हम कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो उसके अंदर जो ऑपरेंट्स हैं वो एक ही डेरा टाइप के होने चाहिए इसकी एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे एन एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेंट आर डिफरेंट डेटा टाइप्स इज कॉल्ड मिक्स टाइप एक्सप्रेशन लेकिन अगर हमारे पास कोई एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें जो ऑपरेंट्स हैं वो मुख्तलिफ़ डेटा टाइप के हैं तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम मिक्स टाइप एक्सप्रेशन कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सप्रेशन एन इंटीजर एंड डबल एज के तौर पर आपके पास एक एक्सप्रेशन है और इसके अंदर एक ऑपरेंट है इंटीजर का और दूसरा ऑपरेंट है डबल का अब यहां पर हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी क्यों क्योंकि जो इनका आंसर आएगा हमें नहीं पता कि वो आंसर इंटीजर में हमने करना है या डबल में करना है क्योंकि एक ऑपरेंट तो था इंटीजर का दूसरा हमारे पास है डबल तो जो आंसर आएगा इस एक्सप्रेशन का फॉर एग्जाम्पल हमने किया ए प्लस बी ए इंटीजियर का है और बी डबल का है अब जब ए को बी से प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किस डायरा टाइप का होगा ये बेसिकली कहलाता है टाइप कास्टिंग और ये कंपाइलर खुद ब खुद कर लेता है इसे हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं द रिजल्ट विल बी अवैल टू अ डबल डायरा टाइप यानी कि जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा वो आएगा डबल के अंदर क्यों क्योंकि इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग में होता ये है कि एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी डेटा टाइप होगी वो डाटा टाइप हम उसके आंसर को एलोकेट कर देते हैं तो इंटीजर और डबल में से जो बड़ी डेटा टाइप है वो है डबल तो आंसर की जो डेटा टाइप होगी वो भी होगी डबल कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं लेट्स लेट्सपोज आपके पास ये एक टेबल के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनको देखते हैं आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर करैक्टर है प्लस फ्लोट एक करेक्टर ऑपरेंट है एक फ्लोट है, है आप इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो जो इन दोनों का आंसर आएगा वो आएगा फ्लोट के अंदर क्योंकि करेक्टर और फ्लोट में जो बड़ी डायरा टाइप है वो है फ्लोट सेकेंड में है इंटीजर माइनस लॉन्ग तो इंटीजर माइनस लॉन्ग दोनों में से बड़ी टाइप है लॉन्ग तो लॉन्ग में आंसर आएगा इस तरह से है इंटीजर मल्टीप्लाई बाई डबल दोनों में से बड़ी टाइप है डबल तो डबल में आंसर आएगा और लास्ट में है फ्लोट डिवाइडेड बाय लॉन्ग डबल तो फ्लोट और लॉन्ग डबल में लॉन्ग डबल डायटाइप बड़ी डायरा टाइप है तो इसका आंसर आएगा लॉन्ग डबल के अंदर एक एग्जांपल देखते हैं मजीद सपोज एक्स इज एन इंटीजर एंड वाई इज आ लॉन्ग वेरिएबल एंड फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन एक है जिसमें एक्स प्लस वाई दो ऑपरेंट हैं एक्स हमारे पास है इंटीजर टाइप का और वाई हमारे पास है लॉन्ग टाइप का वेरिएबल हमने इन दोनों को आपस में प्लस करना है तो द आंसर ऑफ एक्स प्लस वाई विल बी लॉन्ग इंटीजर और लॉन्ग में से बड़ी टाइप कौन सी है लॉन्ग बर्न डाटा टाइप है तो इसलिए एक्स प्लस वाई का जो आंसर आएगा वो किस में आएगा वो लॉन्ग डाटा टाइप के अंदर आएगा अब ये जो टाइप कास्टिंग हुई है यानी कि जो डेटा टाइप चेंज हुई है ये हमने कुछ नहीं किया इसमें ये कंपायलर ने ऑटोमेटिकली कर ली है इस तरह की टाइप कास्टिंग को हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा बल्कि कंपायलर ने जो इन दोनों में से बड़ी डेटा टाइप थी वही डेटा टाइप आंसर को एलोकेट कर दिया है उसको हम कहते हैं इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग नंबर टू पे हमारे पास है एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप टाइप कास्टिंग कास्टिंग इज एक्सप्लिसम्ड बाय प्रोग्रामर ये टाइप कास्टिंग प्रोग्रामर खुद परफॉर्म करता है इट इज परफॉर्म बाय यूजिंग कास्ट ऑपरेटर इसको परफॉर्म करने के लिए हमें कास्ट ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है द कास्ट ऑपरेटर टेल द कंप्यूटर टू कन्वर्ट डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल कास्ट ऑपरेटर कंप्यूटर या कंपाइलर को यह कहता है कि आपने इस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो चेंज कर देनी है सेंटेक्स इसका क्या है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म करने का यहाँ पे आप लिखते हैं टाइप और एक्सप्रेशन यानी कि फॉर एग्जांपल हमने इस एक्सप्रेशन की डेटा टाइप चेंज करनी है तो हम इसे ब्रैकेट के अंदर साथ जो चेंज वाली डेटा टाइप है वो यहां पर लिख देंगे आगे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसकी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सपोज एक्स एंड वाई आर टू फ्लोट वेरिएबल्स सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई और उनकी डेटा टाइप है फ्लोट एक्स कंटेंस टेन पॉइंट थ्री एक्स की वैल्यू हमारे पास है टेन पॉइंट थ्री एंड वाई कंटेन्स फाइव पॉइंट टू और वाई की वैल्यू है फाइव पॉइंट टू एंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज वैल्यूटेड और हमने ये वाली जो एक्सप्रेशन है एक्स मॉडुलस वाई इसको एग्जीक्यूट करना है तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं कहते हैं द अबव एक्सप्रेशन विल जनरेट एन एरर बिकॉज डेटा टाइप ऑफ एक्स एंड वाई फ्लोट क्योंकि एक्स और वाई की जो डेडा टाइप है वो फ्लोट है तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये एरर जनरेट करेगी एरर क्यों जनरेट करेगी द मोडल ऑपरेटर कैन नॉट वर्क विद फ्लॉट वेरिएबल्स हमने देखें दरमियान में मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल किया है और याद रहे प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस के अंदर मॉडुलस ऑपरेटर फ्लॉट के साथ वर्क नहीं करता मॉडलस ऑपरेटर हमेशा इंटीजर वेरिएबल्स के साथ वर्क करता है लेकिन हमारे पास और y तो हैं फ्लॉट के तो यहाँ पर आएगा एरर अब हमें करना क्या है हमें इन एक्स और वाई वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो फ्लोट से इंटीजर में चेंज करनी है यानी कि हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी और ये टाइप कास्टिंग इम्प्लीसिड नहीं होगी कंपायलर ख़ुद ब खुद इस टाइप कास्टिंग को परफॉर्म नहीं करेगा बल्कि ये टाइप कास्टिंग हमें मैनुअली करनी पड़ेगी जिसे आप कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग तो देखिए हम इसे सनडेक्स की मदद से इसको सॉल्व करेंगे हमने क्या किया एक्स ये फ्लोट में था और इसके साथ ही हमने लिख दिया इंटीजर ब्रैकेट के अंदर यानी कि हम ये क्या कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो इसी तरह से हमने वाई के साथ भी लिख दिया इंटीजर कि वाई की वैल्यू को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दो अब जब ये जो एक्सप्रेशन है ये एग्जीक्यूट होगी तो होगा क्या ये एक्स की वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी यानी कि एक्स टेन पॉइंट थ्री था पॉइंट थ्री यहाँ से खत्म हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी टेन इस तरह से वाई फाइव पॉइंट टू था जब यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे पॉइंट टू खत्म हो जाएगा सिर्फ आएगा फाइव

कि इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग किस तरह से परफॉर्म करते हैं आज के इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थैंक यू वेरी मच